अगर आपका यूपीआई पेमेंट कोई रॉन्ग अकाउंट में चल जाता है तो उसे आप रिवर्ट बैक ले सकते हो। जी आप सही सुन रहे हो, जो यूपीआई का मेन हेड है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके पास ऐसी फैसिलिटी है। अगर आपका कोई यूपीआई पेमेंट रॉन्ग हो जाता है तो आप रिवर्ट बैक ले सकते हो। बट ये आप तभी यूज़ कीजिएगा कि जब आपका पेमेंट सही में रॉन्ग किया गया हो, मतलब 4 घंटे के अंदर आप पेमेंट वापस अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो चलिए बताता हूँ प्रोसेस क्या है, कैसे आप रॉन्ग पेमेंट को अपने अकाउंट में वापस ले सकते हो। उसके लिए आप समझ लीजिए आप जो कुछ भी चलाते हो, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, सपोज़ पेटीएम चला रहे हो तो पेटीएम पे जाकर आपने जिस किसी को भी रॉन्ग पेमेंट किया है उसकी आपको ट्रांजैक्शन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और डेट ऑफ पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ आप निकाल लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पेमेंट रिवर्ट बैक ले सकते हो। सपोज़ देख कीजिए, मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट किया है, समझ लो मैंने इसको पेमेंट रॉन्ग कर दिया है दीपक वर्मा को। तो अब मुझे इसकी जो है ट्रांजैक्शन आईडी, ये यूपी, यहाँ से आपको इनकी ट्रांजैक्शन आईडी और यूपीआई आईडी अपनी ले लेनी है और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको याद कर लेना है। तो कॉपी हो गया ट्रांजैक्शन आईडी, अब यहाँ से बैक कर लेंगे। फिर आपको आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है उस ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है NPCI। सर्च करने के बाद इससे पहले लिंक वाले ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कहाँ पर जाना, ध्यान से देखिएगा, ये NPCI की वेबसाइट ओपन हो गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मेनू में क्लिक करना है। मेनू में क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस ऑप्शन में जाना है, इस ऑप्शन का नाम है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, गेट इन टच, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन है UPI कंप्लेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करना है और फर्स्ट वाला है ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर, इसको बंद कर देता हूँ पहले, यहाँ पे देखिए एक फॉर्म सा आ गया है, इस फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट फिलअप करना है। अगर आपके पेमेंट रॉन्ग अकाउंट में चले गए हैं और आपको पेमेंट लेना है तो आपको इस फॉर्म को कंप्लीट भरना है। देख लियो आपके सामने भर के देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लिखा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में है पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब मैंने अपने फ्रेंड को किया। सेकेंड है पर्सन टू मर्चेंट, मतलब मैंने किसी शॉप वाले को किया, तो यहाँ पर मैंने पेटीएम को किया है, तो यहाँ पर आएगा पर्सन टू मर्चेंट। सेकेंड है इशू, सिलेक्ट इशू टाइप, इशू टाइप क्या है आपका, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है कि हमने रॉन्ग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ कमेंट पर लिख देना है आपको कि आई हैव मेड रॉन्ग ट्रांजेक्शन, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन, इसको आप और भी ले सकते हो, कम से कम 500 वर्ड तक ले सकते हो। इस नीचे वाले में लिखिए दिया हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी, इस पर आपको अपनी ट्रांजेक्शन आईडी आपने जो पेटीएम से कॉपी की थी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक। पेस्ट करने के बाद देखिए नीचे लिखा है बैंक नेम, प्लीज़ सिलेक्ट द इशू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो बैंक नेम आपका क्या है उस बैंक नेम को यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक हो। उसके बाद UPI आईडी आपको डालना है, जैसे मेरी UPI आईडी जो भी आप की हो आप वो डालेंगे। मेरी सपोज़ कीजिए कि ये UPI आईडी है, बट ये है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको UPI आईडी में डाल देंगे। फिर अमाउंट डाल देंगे, जो भी ये पेमेंट का अमाउंट था 300 था तो 300 डालेंगे, ठीक। यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट क्या है वो आपको डालना है, तो मेरा ट्रांजेक्शन डेट जैसा कि आपने देखा था वहाँ पे, तो यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, जो भी पेटीएम के साथ रजिस्टर हो ईमेल आईडी डालेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी आपका है आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब आपका जो अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना है, यहाँ उसका साइज 2 MB से नीचे हो, तो यहाँ से इसे अपलोड करके फाइल को यहाँ सबमिट कर देना। सबमिट करने के 4 घंटे के बाद आपका जो पेमेंट रॉन्ग अकाउंट में गया है वो वापस आ जाता है। बट ये तभी ट्राई कीजिएगा कि जब आपका रियल में रॉन्ग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हो तभी, अदरवाइज़ आपके ऊपर कंप्लेन भी हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।